लेट्स स्टार्ट। अप्रैल 2019, इसमें ना इस पर्टिकुलर टर्म में इफ यू डाउनलोड द जिप फाइल, तो इसमें देखो तीन अलग अलग इन्होंने स्प्रेडशीट शेयर किया था सोल्यूशन करने के लिए। बट अभी रिसेंटली जितने भी, एंड दिस वाज आई थिंक फॉर वन और टू टर्म्स, उसके बाद से इन्होंने एक ही स्प्रेडशीट शेयर किया है, उसे में यू विल बी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा, क्वेश्चन वन में अगर पांच पार्ट है, तो क्वेश्चन वन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ऐसे करके डिफरेंट शीट्स दे मेक एंड दे गिव इट टू यू। सो तुम लोग को वही शीट यूज करना है एंड उसी में यू विल हैव टू वर्क। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक दो चीजें हैं जो समझ लेते हैं कि एग्जाम में यू विल हैव 1 hour 50 minutes, दैट 50 minutes इंक्लूड्स योर 1 hour 50 minutes इंक्लूड्स योर डाउनलोडिंग। अपलोडिंग के लिए एडिशनल टाइम मिलता है, बट यू हैव टू क्लोज योर फाइल एटलीस्ट 2-3 minutes पहले, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेसिंग इशू दैट फाइल का सेविंग टाइम अगर एक्सीड हो जाता है 1 hour 50 minutes से, तो आपका लास्ट मॉडिफाइड टाइम चेंज हो जाएगा। आपके हर फाइल में एक लास्ट मॉडिफाइड टाइम होता है, तो एक बार अगर वो चेंज हो गया देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब क्या होता है, एग्जामिनर्स या फिर इंस्टीट्यूट विल गिव यू अ मेल कि भाई आपका क्यों लेट हुआ, रीजन बताओ, तो बहुत झमेला है। डोंट फॉल इन दैट। 5 minutes पहले अपना शीट बंद कर दो सेव करके एंड देन अपलोड इट। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज आपको अनजिप करना है। सो वेन आई वॉज डाउनलोडिंग, तो देख लो एज अ जिप फाइल, वेन आई गो टू डाउनलोड, तो ये एज अ जिप फाइल दिख रहा है, इधर जिप है, एज अ जिप फाइल डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये जो एज अ जिप फाइल डाउनलोड हुआ है, इसको अनजिप करना होता है। अनजिप दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। वेन यू ओपन दिस फाइल, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल। द मोमेंट यू क्लिक ऑन एक्सट्रैक्ट ऑल, तो जहां पे भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको डाउनलोड्स में करना है, आपको डेस्कटॉप में करना है, वेर एवर यू फील यू कैन ब्राउज एंड यू कैन, फॉर एग्जाम्पल मुझे डेस्कटॉप में करना है, आई क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड आई विल सिलेक्ट फोल्डर एंड आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट। तो अब इससे क्या हुआ, देखो जब आप डेस्कटॉप में जाओगे तो डेस्कटॉप में आपके देखो ये सारे क्वेश्चन पेपर्स आ गए, मतलब स्प्रेडशीट आ गया आपका। क्लियर है, दिस इज वन अप्रोच, बट आई डोंट प्रेफर दिस वन। वॉट आई डू इज मैंने डाउनलोड करा, ठीक है, ये मेरा जिप फाइल डाउनलोड हुआ एंड जिप फाइल मेरे डाउनलोड फोल्डर में चला गया। ठीक है, डाउनलोड में चला गया, डेस्कटॉप में चला गया, वेर एवर। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप में ले लेती हूँ, या मैं डेस्कटॉप में ही बाय डिफॉल्ट आई डाउनलोड इट, एंड देन व्हाट आई डू इज आई ओपन दिस एंड देन आई स्ट्रेट अवे लाइक जस्ट टेक ऑल दिस फाइल सिलेक्ट करके मैं इसको जहां मुझे लेना है मैं ले लेती हूँ। अभी तीन फाइल है, बट अभी जो हम करेंगे उसमें एक ही फाइल होगा। लाइक अभी सारे एग्जाम्स में आपके एक ही फाइल आ रहे हैं रिसेंटली, पहले के में दो तीन फाइल्स आते थे बट अभी एक ही फाइल आता है। So you all can just select this and you can put it on in the desktop or in downloads and वहीं से straight away you can start solving. ठीक है, तो ये एक method है why unzipping is important. If you don't unzip and you straight away open the file from here and you start solving and आप उसको save नहीं कर पाओगे, आपका सारा work जितना आपने किया वो सब lose हो जाएगा। ठीक है, वो actually save कहीं ना कहीं होता है जाके, बट देन वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट। मोस्टली आप अपना फाइल लूज कर दोगे एंड दिस इज समथिंग विच हैज हैपेंड टू स्टूडेंट्स इन पास्ट एंड दे हैव फेल्ड ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने किया पूरा अच्छे से, उन्होंने पूरा कम्प्लीट किया पेपर, बट उन्होंने अनजिप नहीं किया एंड दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फाइल इटसेल्फ एंड व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट ऑल देयर वर्क। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। डाउनलोड करना है, डाउनलोड करते ही क्वेश्चन पेपर मत खोलना, उसके पहले ही जस्ट मेक श्योर यू अनजिप इट। इसको आप राइट क्लिक करके भी अनजिप कर सकते हो, लाइक इफ यू गो टू दिस फोल्डर, अच्छा मैंने डेस्कटॉप में डाल दिया है, सो यहाँ पे यू जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यू कैन जस्ट अनजिप इट। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑल यहां से, तो दिस इज अनदर अप्रोच विच वी कैन डू। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप अनजिप करके फिर आपका जो फोल्डर बन रहा है, आप उस फोल्डर जो फाइल बन रहा है उस फाइल पे आप वर्क करो, ड्रैग कर दो, ड्रैग, हाँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। आई थिंक दिस इज द सॉल्व क्वेश्चन। अच्छा, इन्होंने सोल्यूशन स्प्रेडशीट नहीं दिया इसमें, आई थिंक इसमें नहीं है, पहले दे यूज नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सोल्यूशन स्प्रेडशीट।
They've just given the सोल्यूशन. पहले वो नहीं देते थे सोल्यूशन स्प्रेडशीट, कोई इशू नहीं है, हम लोग सोल्यूशन हटा के एंड फिर कर लेंगे. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अनजिप करो. इफ यू फॉरगेट टू अनजिप इन योर एग्जाम बहुत इश्यू हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू, आपका आंसर सेव नहीं होगा. ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड वॉट वी विल डू इज वी विल रिमूव द यू नो पार्ट्स जो हमें नहीं चाहिए बिकॉज इसमें सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डाउनलोडेड दिस. अ लोन ऑफ 2,50,000 इज टेकन आउट एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 3.5% for the first 3 years and an effective interest of 7.5 thereafter. For the first 18 months, no loan repayments are made. After this time level, loan repayments are made monthly in arrears such that the loan will be fully paid in 25 years after it has been taken out. If repayments are insufficient to cover the interest due, then the loan will be increased to cover the shortfall. Construct the loan schedule. So basically, यहाँ हम लोग को कोई data given नहीं है. So what you all can do is ये जो solution बनाए ना, इसको please refer नहीं करके make a new sheet and उस sheet में you start working. Because इसका कोई solution, इसका कोई inputs नहीं है. Inputs आपको खुद से लिखना है. ठीक है, क्या होगा तो क्या आप बोल रहे हैं, लोन लिया हमने 2,50,000 का, इंटरेस्ट रेट है 3.5% का पहला 3 साल के लिए एंड उसके बाद इट बिकम्स 7.5. ठीक है, पहले 18 मंथ्स के लिए मतलब 1.5 इयर्स के लिए कोई भी रीपेमेंट नहीं हो रहा है, उसके बाद से मंथली रीपेमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, लेवल पेमेंट जो होते हैं. एंड इफ द रीपेमेंट्स आर इनसफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट, ऑब्वियसली योर कैपिटल आउटस्टैंडिंग गोज अप. है ना, करो इसको खुद से स्टार्ट करो बनाना. Make sure you extract the file and start working on it.
ठीक है, जब तक खुद से तुम लोग नहीं लिखने का कोशिश करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा कि हाउ गुड यू आर एट दिस। टेबल फॉर्मेशन मेरे को लगता है तुम लोग को बहुत इश्यू होता है उसमें, टू मेक अ टेबल, क्या कॉलम हेडिंग्स डालें, क्या इनपुट्स लें, तो ये सब पहले खुद से ट्राई करो कि कितना हो पा रहा है, समझ रहे हो। किससे स्टार्ट कर रहे हो तुम लोग? सोल्यूशन तो देख ही लिया होगा आई एम श्योर, खुद से तो हुआ ही नहीं होगा, है ना। इनपुट्स में क्या ले रहे हो? इंटरेस्ट रेट फॉर फी ईयर्स कितना है? 3.5%। देन देयर आफ्टर 7.5 है बस, और तो कुछ नहीं लेना हमें। इनिशियल लोन अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है, नॉट ठीक है, इनिशियल लोन अमाउंट चलो ले लो। लेवल पेमेंट्स लेना है? अभी नहीं चाहिए तो क्या, फ्यूचर में तो चाहिए। हाँ, सो लेवल लोन रीपेमेंट ओके, ये बस उसी चीज के लिए कि ये इनपुट्स है हमारे और ये हमारा आंसर है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट। इसमें कुछ भी लिख लेंगे बाद में। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है, क्या क्या लेना है? कॉलम हेडिंग्स, टाइम इन मंथ, ठीक है, क्योंकि वी आर वर्किंग इन मंथ्स, मंथ्स में पेमेंट करने बोला है, मंथली रीपेमेंट, और लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ व्हाट ऑफ मंथ नेक्स्ट। रीपेमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट पार्ट एंड कैपिटल पार्ट सेम थिंग एट दी एंड। ठीक है, तो तुम लोग कैसे, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन? 14 है। नॉट टेक अस मोर देन 10 मिनट्स, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, उसको रीड करने में भी आप लोगों को टाइम लगेगा, तो अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो सॉरी, तो इससे आपको बाद में दिक्कत होगा। कितने टर्म का है ये लोन? 25 ईयर्स कर दो, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। अब बताओ टाइम कहाँ से कहाँ जाएगा? 1 से 25 into 12 is 300 तक, तो या तो आप उसको ड्रैग कर सकते हो
या फिर आप लोगों को पता है ऑटो फिल कैसे कराया था मैंने? ए मे बी 319, नहीं 308 तक ले जाते हैं, ठीक है? कंट्रोल डी, अच्छा प्लस करके करना होगा मुझे, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसे नहीं होता है। अच्छा लोगों को अगर ड्रैग करके करना है कर लो, नॉट एन इशू। ठीक क्लियर, देख लो। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट, विच इज हाउ मच? 2,50,000। रीपेमेंट कितना होगा स्टार्टिंग में? जीरो तो शुड बी पुट एनी फंक्शन ओवर हियर। एक फंक्शन डालते हैं कि अगर वो किससे छोटा हो गई 3 मंथ से, तो एक काम कर लो, इधर एक इधर पे एक और रो बना लो, इनिशियल डेफर्ड, डेफर्ड में डबल एफ होता है कि डबल आर होता है, इनिशियल डेफर्ड पीरियड ऑफ 18 मंथ्स, ठीक है? आप हार्ड कोड कर सकते हो, नो इश्यू, बट अगर आप ये कर लोगे, सो इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 18, देन इट विल बी जस्ट ब्लैंक, स्पेस मत देना बीच में, जस्ट कीप इट ब्लैंक। सो आइदर यू कैन टेक अ जीरो, नो प्रॉब्लम, और यू कैन जस्ट ब्लैंक, स्पेस मत लेना बस, और इट विल बी दिस अमाउंट, मेक इट एब्सोल्यूट, मेक दिस 18 एज एब्सोल्यूट, ठीक है? क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर, इसमें अपने एक बार के लिए 2,000 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है? सो 18 मंथ के बाद से इट शुड स्टार्ट, मतलब 19th मंथ से देख लेना ये 2,000 आ रहा है कि नहीं। ऑलराइट, आफ्टर दिस इंटरेस्ट पेड कैसे निकालेंगे? कैपिटल आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट इनटू I12/12, मंथली है तो I12/12 निकाल लो, यहाँ पे I12/12 निकाल लो, I12/12 दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, इनफैक्ट 3.5% एंड 7.5% दोनों के लिए निकालना पड़ेगा आप लोगों को। निकालो, कैसे निकालेंगे? 1 + i होल टू द पावर 1/12 - 1, नॉट मल्टीप्लाइंग इट विथ 12, एक बार देख लो, बिकॉज आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, एक बार देख लो, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं कर रहे हैं, क्यों? I12/12 ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है? ऑलराइट, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज कर दो। सो बेसिकली इंटरेस्ट पेड अब क्या हो जाएगा? अगेन वी कैन पुट एन इफ स्टेटमेंट, कितने साल के लिए ये वाला इंटरेस्ट है? फॉर 3 मंथ, फॉर 3 ईयर्स है ना? सो दिस इज फॉर 3 ईयर्स, ठीक है? तो यहां हम लोग क्या कर देंगे, दैट इफ दिस ईयर इज मंथ इज लेस देन इक्वल्स टू 3 × 12, कैन स्ट्रेट अवे राइट 36 ऑल्सो, बट आई प्रेफर डूइंग इट दिस वे, मुझे हार्ड कोड करना पसंद नहीं है। सो दीज मेनी ईयर्स, 3 × 12 ईयर्स, इफ दिस इज द केस देन द इंटरेस्ट इज दिस, है ना?
इसको भी एब्सोल्यूट, सेकंड क्या हो रहा है, इसको भी एब्सोल्यूट और दिस इसको भी एब्सोल्यूट एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई दिस विथ द अमाउंट। देख लो एक बार क्लियर। तो यहां भी एक आपने मतलब यू जस्ट नीड अ इफ फंक्शन, बहुत ही सिंपल। आई थिंक इट्स बेटर दैट यू राइट एन इफ स्टेटमेंट, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं था ये। ठीक है, नाउ वील जस्ट ड्रैग इट डाउन। ओके, लेट्स कीप इट टिल जस्ट टू डेसिमल्स एंड लोन आउटस्टैंडिंग एट द लास्ट विल बी जो भी ये है आपका माइनस रीपेमेंट एंड प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा आपका दिस फिगर। तो यहां कुछ अलग है, सो वी ऑलवेज हाईलाइट द सेल विच इज डिफरेंट। इसको बस अब आपको ड्रैग करना है सबको, और क्या। देखो आपको आंसर्स कैसे मैच करना है अभी के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 2000 लिया है, दिस इज जस्ट रैंडमली दैट वी हैव टेकन, तो ये ऑब्वियसली जीरो नहीं आएगा आपका। आपको ये खाली मैच करना है कि 18 मंथ के एंड पे देख लो खाली कैपिटल आउटस्टैंडिंग 263239.18 आ रहा है कि नहीं। अगर ये आ रहा है तो आपका मेरा सोल्यूशन सही है, मैच हो रहा है मतलब। एंड देन वील यूज गोल सीक चेंजिंग द लास्ट वैल्यू टू जीरो बाय चेंजिंग द रीपेमेंट। और इसको क्विकली खत्म करो, दिस शुड नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। आई एम यूजिंग गोल सीक नाउ। एक बार मेरा सोल्यूशन देख लो व्हाट आई एम डूइंग एंड देन आप लोग खुद से कर सकते हो। इफ यू आर बिजी टाइपिंग ऑन योर ओन तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट आई एम डूइंग, है ना। तो अपने करेंगे इसको चेंज। अरे If you want, you can increase the decimals as well, 2 decimals tak. This is the exact value that we are getting, 1845.71. Agar aapko sare figures ko pounds mein change karna hai, aap paise bhi kar sakte ho, no issues. ठीक है, देख लो कोई डाउट है तो पूछो। आई फील बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इसमें डाउट आना नहीं चाहिए। All of you, please write a yes if it is done quickly in the chat box. We'll move to the second question now. So you can highlight this in green if you want. This is the answer. ये मैंने थोड़ा darker shade ले लिया है, but ठीक है. Okay. This is the final answer. You can write answer यहाँ पे if you want. Let's move to the second question. I hope it's clear to all of you. Very good. Kisi ka nahi aaya to quickly raise your hand and let me know.
चलो आ गया सबका यहाँ पे। यहाँ पे किसका किसका नहीं आया, हैंड रेज करो फटाफट। सबका आ गया पक्का? ओके किसी का नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो। चलो, अ कॉफी कंपनी इज ओपनिंग अ न्यू स्टोर इन अ लार्ज टाउन। द कंपनी परचेज द प्रमाइसेस फॉर 5 लाख इन जनवरी 2019। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफर्बिशिंग द प्रमाइसेस विल बी 1,15 लाख, फॉर विच विल बी इनकर्ड सिक्स इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पेबल मंथली इन एडवांस। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एडवांस को। विद द फर्स्ट पेमेंट मेड ऑन 1 अक्टूबर। जिन लोग स्मार्ट हैं उन लोग ने अभी तक पेन पेपर पे बनाना स्टार्ट कर दिया होगा टाइमलाइन, बिकॉज यू ऑल विल नॉट गेट टाइम टू रीड द क्वेश्चन 10 टाइम्स। समझ लो, बी वेरी स्मार्ट वाइल अपियरिंग फॉर दिस पेपर। एक्सेल में खाली उसी का ज्यादा मार्क्स आता है जिसने प्रैक्टिस किया है एंड एट द सेम टाइम वो स्मार्ट है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दो दो घंटे आप पढ़ रहे हो, बट आप इडियट के जैसे कर रहे हो अपना एग्जाम में, तो आपका पास, आपको अच्छे, आप पास हो जाओगे मे बी, हो सकता है, बट आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एंड मे बी फिर आपको खराब लगे कि भाई मैंने इतना मार्क्स, एट द एंड डज नॉट मैटर, एट दी लाइक पूरा जवाब बन जाओ आपका, आपको प्ले, आपका जॉब लग जाए, इट मे नॉट मैटर टू यू, बट एटलीस्ट वेन यू आर पुटिंग दैट काइंड ऑफ एफर्ट एंड इफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, इट फील्स वेरी गुड, राइट? सो आपको एक क्वेश्चन को एक ही बार रीड करना है, 10 बार नहीं रीड करना है। सो प्लीज कीप अ पेन पेपर। एंड अभी जो हम लोग जितने भी पास पेपर, सारे पास पेपर सॉल्व करेंगे, ये आपको ऐसे सॉल्व करने की आप मॉक दे रहे हैं। यू हैव टू बी फास्ट एंड आपको इसे समझ में आएगा कि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं और आप जो हैं, आप में क्या डिफरेंस है। इफ समवन इज एबल टू सॉल्व इट बिफोर यू, मीन्स दैट देर इज समथिंग विच इज लैकिंग इन यू। इफ यू आर रीडिंग द क्वेश्चन 3-4 टाइम्स, देर इज अ लैक इन यू। अंडरलाइन करते जाओ, बनाते जाओ टाइमलाइन पेन पेपर पे। बी वेरी स्मार्ट, बेवकूफ मत बनो। आज के जमाने में जो बेवकूफ है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, कॉफी कंपनी इज ओपनिंग अ न्यू स्टोर। द कंपनी परचेज प्रमाइसेस फॉर 5 लाख्स है, 1 जनवरी को उसने खरीद लिया, और टाइमलाइन में बच जाना चाहिए। द टोटल कॉस्ट विल बी 15 लाख्स, जो 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे होगा इन एडवांस। एंड द फर्स्ट पेमेंट जो स्टार्ट होगा वो हमारा 9 महीने बाद स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर को। द स्टोर इज एक्सपेक्टेड टू ओपन बाय 1 मई 2020, विच इज आई थिंक 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, नहीं 8 मंथ्स है। इज एक्सपेक्टेड टू सेल कप ऑफ कॉफी विथ ईच मंथ शोन इन द स्प्रेडशीट। सो इफ आई ओपन, ठीक है इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। इफ आई ओपन द स्प्रेडशीट, जिप वाला नहीं, दिस वन, ठीक है, तो दे हैव गिवन अस ईच मंथ में कितने कॉफी सेल होंगे। ऑलराइट, देन अज्यूमिंग कि हमने 3 रुपए में कॉफी बेचा है, 3 पाउंड में, ऑल इनकम फ्रॉम द कॉफी सेल्स कैन बी अज्यूम टू बी रिसीव कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द मंथ। द कॉस्ट ऑफ स्टाफिंग एंड मेंटेनिंग द न्यू स्टोर विल बी 10,000 पर मंथ, पेबल कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 मई 2020, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट दीज विल इंक्रीज ऑन ईच 1 सितंबर बाय 2%। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट ऑल कॉस्ट एंड इनकम विल सीज एट द एंड ऑफ 2030। ठीक है, तो क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ स्टाफिंग एंड मेंटेनिंग द न्यू स्टोर इज 10,000। कब से पेमेंट करना है? 1 मई 1 मई से, एंड ये इंक्रीज हो रहा है 2% एवरी 1 सितंबर, एंड कब तक हो रहा है? 2030 के एंड तक। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट वी आर फॉलोइंग इज 12%। I don't believe that they gave all the inputs here. ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका जो डेटा है
ये डेटा आपको यूज करना है, प्लीज इन तीनों शीट्स को आप हाइड कर दो, ठीक है? लेट्स हाइड दीज थ्री शीट्स सो दैट वी डोंट सी द सोल्यूशन. इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ एंड वी विल जस्ट यूज दिस बेस शीट टू सॉल्व द क्वेश्चन. ऑल राइट, एनी डाउट इन द क्वेश्चन? वेरी सिंपल प्रोजेक्ट अप्रेजल का क्वेश्चन है. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो. पहले इफ यू ऑल वॉन्ट यू ऑल कैन टेक सर्टन इनपुट्स यहाँ पे, डिस्काउंटिंग रेट, फिर जो जो भी इन कॉस्ट लग रहे हैं सारे आप उसको ले सकते हो इफ यू वॉन्ट. अगर नहीं भी लोगे इट्स फाइन, क्योंकि सबका कॉलम तो बन ही रहा है. तो खाली आई थिंक रिस्क डिस्काउंट रेट को ले सकते हैं अपने, ये 2% इंक्रीज को ले सकते हैं अपने, और आई थिंक इट्स फाइन 3 रुपीज ले सकते हो. बाकी कॉस्ट अलग से लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो रिस्क डिस्काउंट रेट हो गया आपका कितना परसेंट? नहीं, 12%. इन्फ्लेशन ले लो या फिर इंक्रीज इन स्टाफिंग कॉस्ट. और सेलिंग प्राइस ले लो 3 pounds, ठीक है? दैट्स इट एंड नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो भी आपका दिया हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट. ये जो पार्ट वन आपका लिखा है ना, ये तीनों पार्ट्स आपको एक ही शीट में करनी है. तो ये तीनों आप इसी शीट पे करोगे. आप इसको रीनेम कर दोगे 1, ठीक है? आई थिंक इट ऑलरेडी एग्जिस्ट सो इट विल नॉट टेक, सो आई जस्ट मॉडिफाई इट. कैलकुलेट द एनपीवी एंड डिटरमाइन वेदर द स्टोर इज प्रॉफिटेबल. तो ये जो लाइन लिखा है इसका 1 mark है. मतलब एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहे तो आप लिखोगे सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव द स्टोर इज प्रॉफिटेबल, नेगेटिव द स्टोर इज नॉट प्रॉफिटेबल. ये आपको लिखना है 1 mark. कैलकुलेट डीपीपी टू नियरेस्ट मंथ एंड आईआरआर. सिंपल क्वेश्चन, प्रोजेक्ट अप्रेजल खुद से करो, स्टार्ट करो. एटलीस्ट ट्राई टू मेक द टेबल. वी विल स्टार्ट मंथ से. नाउ मैंने स्टार्ट ऑफ द मंथ इसीलिए लिखा है क्योंकि पेमेंट स्टार्ट ऑफ द मंथ में हो रहे हैं बहुत सारे, है ना? यस और नो? कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 जनवरी, जनवरी 19 से. देखो इनका जो मंथ का तरीका है लिखने का, लेट्स फॉलो दिस अप्रोच. मई 20 लिखा है इन्होंने, तो अपने भी ऐसे लिखे जैन 19. सेम अप्रोच रखने से क्या है, इजी रहेगा ना. जैसा इन्होंने यूज किया है डेट फॉर्मेटिंग, सेम हम लोग यूज करेंगे. फेब 19. अब ये कहां तक चला जाएगा बताना. 20-30 ऑफ व्हाट, लाइक विच मंथ? दिसंबर 30. वेरी गुड. सो आई जस्ट ड्रैग इट, कीप ड्रैगिंग इट टिल दिसंबर 30th. सॉरी, दिसंबर 20-30. क्लियर? अब एक बार खुद से करो. पहले सारे कॉस्ट ले लो, एटलीस्ट एनपीवी आप लोग खुद से ट्राई करो तो निकालने का. मैं करूंगी सॉल्व, बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू ट्राई इट ऑन योर ओन.
बोलो हुआ. फॉर इनकम वी नीड टू कैलकुलेट ए बाय वन, राइट. चलो एक एक करके बताओ. सबसे पहले तो व्हाट कॉस्ट शुड, पहले सारा कॉस्ट ले लेते हैं, इजी है. पहला कॉस्ट क्या है? लैंड कॉस्ट. वेरी गुड. लैंड कॉस्ट कितना है? 5 लाख. नेक्स्ट. इन्फॉर्मेशन कॉस्ट, जी फॉर, ए तुम चीटिंग क्यों, क्या मार्केट कॉस्ट, क्यों ना, नहीं कॉस्ट, इसके बाद क्योंकि तुम लोग मॉक में भी चीटिंग किए हो. बहुत लोग हैं यहाँ पे, तुम लोगों को लगता है कि हम लोग जब मॉक चेक करेंगे हम लोग बहुत स्टूपिड है, हम लोगों को कुछ आता नहीं है. मॉक में आंसर सेम, कमेंट्स सेम, गलत आंसर्स भी सेम. मतलब इतना मॉक में क्यों चीटिंग कर सकता है कोई? मतलब ये बताओ मेरे को, मेरे को मॉक क्यों देते हैं? टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई हम कहाँ लैग कर रहे हैं. आप मॉक में चीटिंग करके दे रहे हो, एंड स्पेसिफिकली CM1 CS1 स्टूडेंट्स. क्या बेवकूफी है बताना? मॉक में कौन चीटिंग करता है? आप किसको प्रूफ कर रहे हो, अपने आप को, हम लोग को, कि किसको? मॉक दो ही मत फिर, हम लोग का टाइम मत वेस्ट करो. वी आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट टू चेक ईच मॉक. मतलब एक एक मॉक चेक करने में वी आर टेकिंग मिनिमम, पेपर ए एंड पेपर बी साथ में हुआ था ना, मिला के एक जन का पेपर चेक करने में 1 घंटा लगता है. तो अगर आप चीटिंग करके मॉक दोगे, हमारा 1 आवर वेस्ट, आपका वेस्ट टाइम, कोई पॉइंट ही नहीं है. रिफर्बिशिंग कॉस्ट कहाँ से कहाँ है? September 19 कितना है? 15 लाख 15 लाख को कैसे लेंगे? डिवाइड बाय 6 करेंगे. 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 6 कब तक? 6 मंथ्स फेब तक कि मार्च ना तक? ना अक्टूबर से कि सितंबर से? अच्छा अब ठीक है. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, किसी ने कुछ बोला? डेट नेक्स्ट ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर से, ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद कौन सा कॉस्ट है? सेल्स नहीं, पहले सारा कॉस्ट लिख रहे हैं ना. स्टाफिंग कॉस्ट, स्टाफिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस का स्पेलिंग मेंटेन लिख दिया मैंने, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है. कितना है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई, नहीं हाँ 1 मई 20, तो यहां से मई से कितना पर मंथ है? कंटिन्यूअसली पेबल, कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1 मई बोला है, तो कैसे लेंगे? हाँ, एंड दिस विल इंक्रीज बाय 2%. सो लेट्स डू वन थिंग अभी के लिए. तो बेसिकली हम लोग अमाउंट ले लेते हैं, फिर जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग ए बार वन करके यूज कर लेंगे तब. यहाँ पीवी नहीं लिख रहे हो ना, यहाँ आप खाली कॉस्ट लिख रहे हो. तो एक बार कॉस्ट लिखते हैं, पीवी जब निकालेंगे तब ए बार वन यूज कर लेंगे, एंड दैट ए बार वन शुड बी कैलकुलेटेड एट 12 बाय 12, ठीक है. बोलो 10,000 है एंड दिस विल इंक्रीज एवरी ईयर बाय, तो इसको कैसे कंसिडर करेंगे? इफ कैसे लिखोगे? यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले से इससे स्टार्ट करते हैं. एक ही बात है, इफ दिस इज इक्वल टू, इफ द मंथ ऑफ, तुम लोग कोई सुन नहीं रहा है एंड आई विल नॉट रिपीट अगेन, आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है. इफ दिस इज इक्वल टू 9, देन दिस फिगर मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट इंक्रीज है? 1 प्लस 2% का. इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं क्योंकि ले लिया है ना इनपुट में, तो कर दो, नहीं तो फिर इनपुट ही ले लेते. अदरवाइज दिस विल बी सेम एज ऊपर वाला, ठीक है. क्लोज दिस
एंड आई विल जस्ट इसको ड्रैग कर दो लास्ट तक, जस्ट वेरीफाई योर आंसर्स कि करेक्ट है कि नहीं. एंड एवरी सेप्टेम्बर इट इज चेंजिंग और नॉट. सो योर फर्स्ट चेंज विल हैपन सेप्टेम्बर 20, सेप्टेम्बर 21. ठीक है, जस्ट चेक वेदर द चेंज इज हैपनिंग एट द करेक्ट टाइम और नॉट. सेप्टेम्बर 22. ठीक है, सही है. ये अलग था तो इसको हम हाईलाइट कर देते एक बार. मैंने इफ फंक्शन यूज करा है. देख लो. यस उर्विश, हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट. नेक्स्ट, इसके बाद इनकम ले लो. इनकम कब से स्टार्ट हो रहा है? मई से ना. सो ये वाला 3. ठीक है, 3 कांस्टेंट है, नॉट इंक्रीजिंग विद इन्फ्लेशन. यस और नो? तुम लोग सुन नहीं रहे, तुम बहुत बात कर रहे हैं. एंड जो बात कर रहे हैं वो अगर मेरे से डाउट पूछेगा आई विल नॉट रिप्लाई. 3 × 10,000 कप्स ऑफ कॉफी सोल्ड. इसको अपने ड्रैग कर देंगे अगेन, तो ये अपना आ गया इनकम. ठीक है, ये अपना आ गया इनकम. नाउ वंस योर इनकम इज टेकन, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर. डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हो? 1 + 12% नेकेट एब्सोल्यूट टू दी पावर, बोलो. -37 माइनस -37 आप से डिवाइडेड ठीक है 365 की 12 क्यों? बाय 3 पहले 12 जी की थी तो अजीब आ गया तो नंबर ऑफ डेज आ गया. कैसे कैसे निकालेंगे बताओ? डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे होगा? ठीक है, निकाल लो 12 by 12. वैसे भी कर सकते हो, या फिर कीप इट वेरी सिंपल. इसको ले लो 1 by 12. इसको ले लो, ये वाला तो कुछ नहीं होगा ना, है ना? ये वाला आपका 0 होगा टू दी पार. तो इसको एक बार आप ऐसे ही रखो. सेकेंड वाला जो है उसको एक बार देखना, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 + 12% टू दी पार -1/12. एवरी टीवी में वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 + i टू दी पार 1/12. Yes or no? Can do this? हाँ? या तो इसको आप डायरेक्टली 1 ही लिख दो, जरूरत नहीं है कुछ भी फॉर्मूला लिखने का. एंड देन यू राइट दिस सिंपल. एंड तुम सही बोल रही हो, अगर वैसे करते हो तो 365 से करना होता, बिकॉज व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टू डेट्स तो वो आपके नंबर ऑफ डेज आते हैं. ठीक है, बट आई थिंक डूइंग इट दिस वे विल हेल्प यू, क्योंकि इससे आपका मंथली आएगा. उससे क्या होगा, दे विल ऑल्सो सी 31 days, 30 days, वो भी आपका काउंट होगा. तो आंसर मे नॉट मैच एग्जैक्टली. ठीक है, सो इट्स बेटर टू टेक मंथली, या फिर अगर आप आई 12 by 12 भी कर रहे हो नॉट एन इश्यू. हाँ, वैसे भी कर सकते हो. 0, 1, 2 का कॉलम बना लो एंड देन वो मंथ, जैसे ये वाला आपका हो गया 0,
ठीक है, जस्ट इंसर्ट वन मोर कॉलम. तो यहाँ पे आपका हो गया 0 1 2. आप इसको भी करके कर सकते हो. फिर आपको क्या करना होगा, 1 + i^2 / this/12, दैट्स इट, -this/12, दैट इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू. ठीक है, येस और नो बोलो, क्लियर है? ये भी ऑप्शन कर सकते थे, वेरी गुड. ये 0 वाला ऑप्शन, टाइम वाला ऑप्शन भी आई थिंक बेटर है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो. आई फील मेरा कुछ गलत हुआ, आई डोंट नो व्हाई. मैंने 2 1 प्लस, ठीक है, या फिर 2 / 1/12, 2/12, 3/12 भी कर सकते हैं. करेंगे. रिफर्बिशिंग कॉस्ट का हो रहा था स्टार्ट ऑफ द मंथ, लैंड कॉस्ट स्टार्ट ऑफ द मंथ पे हो रहा है, येस और नो? एक बार देख लो प्लीज, जस्ट टेक आउट 5 मिनट्स. आप लोग बच्चे नहीं हो कि आप लोग देख के भूल जाओगे तुरंत, एक बार देख लो. वी ऑल्सो नीड a + a^1 ना, तो यहाँ मैं बना देती हूँ, यहाँ इसके बगल में वी कैन टेक आउट a^1 at i^12/12. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग, पहले i^12/12 निकाल लो, इजी रहेगा. वन प्लस दिस 2 / 12. a^1 कैसे निकालते हैं? 1 - v^-1 होता है ना, सो दिस 2^-1 इंटायर थिंग डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 + i^12/12. देख लो एक बार, ये फैक्टर मैच कर लो. दीदी एक बार वापस दिखाइए ना फॉर्मूला. a^1 का फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है. i^12/12 पे करा है कैलकुलेट. 1 - v/log(1+i) ln(1+i). अब एक बार देखो यहाँ, ऑल ऑफ यू प्लीज, ऐसे करने से ये क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं खत्म होगा. पहले देख लो मैं क्या कर रही हूँ. अब जब आप pv निकालोगे तो वॉट यू कुड हैव डन इज, यहाँ पे ये सारे अपने कॉस्ट थे, ठीक है, तो यहाँ आपने लिख सकते हैं कॉस्ट इफ यू ऑल वॉन्ट, एंड यहाँ यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट इनकम, नो इश्यूज. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पीवी ऑफ कॉस्ट अगर हम लोग निकाले, एक बार देख लेना, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी. तो पीवी ऑफ कॉस्ट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो. अपना ये जो है दिस लैंड कॉस्ट इज सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय, या फिर लेट मी डू वन थिंग, दिस लैंड कॉस्ट प्लस रिफर्बिशिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये अपना सिंपल सिंपल तरीका है. प्लस ये जो अपना स्टाफिंग है, ये जो अपना स्टाफिंग है, ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, जनवरी का जो, यहाँ पे जीरो है बट अज्यूमिंग जनवरी का जो स्टाफिंग कॉस्ट है वो पूरे जनवरी मंथ में हो रहा है. तो पूरे जनवरी में हो रहा है, इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय a^1, तो वो जो पूरा वैल्यू आ रहा है वो आ जाएगा वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी, फिर आप उसको डिस्काउंट कर दोगे. सिमिलरली फेब में जो भी आपका स्टाफिंग कॉस्ट है वो पूरे फेब में हो रहा है, तो उसको आप a^1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू चला जाएगा एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ फेब, फिर आप उसको डिस्काउंट कर दोगे जीरो पे, दैट इज वॉट यू डू, राइट? तो यहाँ क्या होगा, दिस स्टाफिंग कॉस्ट ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइड बाय a^1, मेक इट एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाइड बाय योर डिस्काउंटिंग,
क्लियर? ये पूरा आपका जो है, दिस इंटायर इज योर स्टाफिंग. एनी डाउट प्लीज लेट मी नो एट दिस पॉइंट ओनली. एनी डाउट इन दिस पीवी ऑफ कोर्स लेट मी नो नाउ. सितंबर के पूरे महीने में जो भी आपका कंटिन्यूअसली कॉस्ट लग रहा है, उसमें अगर आप ए बार वन मल्टीप्लाई करोगे तो वो सितंबर के स्टार्ट में आएगा वो कॉस्ट. फिर आप उसको ले जाओगे टाइम जीरो पे. दैट इज व्हाट यू आर डूइंग. यस, क्लियर है सबको? बट देन दैट इज नॉट करेक्ट. मतलब तुमको फिर यहाँ ऐसे लिखना होगा, पीवी ऑफ स्टाफिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, एट द स्टार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ. जब तुम ए बार वन मल्टीप्लाई कर रही हो सेप्टेम्बर में, तो तुम वो पूरा वैल्यू सेप्टेम्बर के स्टार्ट का ले रही हो, नॉट द अमाउंट स्पेंट इन सेप्टेम्बर. तो उस थोड़ा फ्रेमिंग चेंज कर देना खाली ऊपर कॉलम हेडिंग का. आंसर तो ऑब्वियसली सही आएगा, बट वर्डिंग्स गलत है ना. ठीक है, क्लियर? वही अभी बात किया मैंने, उसको वही आंसर किया. आपको इसको चेंज करना होगा. ठीक है, तो जस्ट ड्रैग दिस. ये देखो, यहां से आपके वैल्यूज स्टार्ट हो रहे हैं बिल्ड होना. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट प्लीज चेक. नेक्स्ट, पीवी ऑफ सेम होगा ये भी, कैसे बताना? इनकम मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए बार वन. कोई डाउट है प्लीज अभी पूछो. ड्रैग इट. ठीक है, सो यू हैव पीवी ऑफ कॉस्ट, यू हैव पीवी ऑफ इनकम. यू कैन टेक आउट प्रेजेंट वैल्यू नाउ और एनपीवी करो. यहां तक इसको लिख लो, एनपीवी. इनकम माइनस कॉस्ट, ड्रैग इट एंड यू गेट द टोटल हियर. प्लीज मैच योर आंसर्स वंस. यहाँ पे क्या लिखना था अपने को? सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव. द इन्वेस्टमेंट इज गुड. करो इसको कंप्लीट. कोई डाउट है तो पूछना मेरे से. मैम मैम,
बोलो। मैम ये स्टाफिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट जैसे हर सितंबर में 2% इंक्रीज हो रहा है, तो सितंबर एक 2019 वाला भी गया तो उसमें वैसे जब जब से स्टार्ट हुआ तब से ही देखेगा, मतलब जैसे 2019 में इंक्रीज नहीं, जैसे स्टार्ट नहीं हुआ है तो इंक्रीज कंसिडर नहीं करेगा ना? नहीं ठीक है मैम। इसका मैम बोलो। मैम, ये रिफर्बिशिंग जो कॉस्ट है इसको हम ADU 1 से नहीं मल्टीप्लाई करवाएंगे? क्यों? मंथली ने एडवांस हो रहा है ना मैम, तो हम ADU 1 हमने निकालेंगे। तो कंसिडर किया वो चीज 2,50,000। आप क्यों कंफ्यूज हो रही हो बेसिक कॉन्सेप्ट में उदय, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में, मतलब शुरू के क्लासेस में जो आपने पढ़ा है। आप 2,50,000 अक्टूबर में ले रहे हो, 1 अक्टूबर एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ। आप तो उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इससे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, विच इज 1+i होल टू द पावर दिस 9/12। तो ऑलरेडी यू आर टेकिंग इट 2 टाइम 0। हमने आज तक कभी भी किया है वैसा? नो मैम, अब समझ में आ रहा है कंफ्यूजन कहाँ है? आप लोग को लग रहा था कि आप लोग तैयार हो एग्जाम के लिए, बट आप लोग बेसिक में कंफ्यूज हो रहे हो। फॉर दैट यू नीड टू स्टॉप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन। योर फ्रेंड्स विल नॉट, आपको वो कुछ नहीं करेंगे लाइफ में आपके। प्लीज सब लोग ध्यान देके कंसंट्रेट करके खत्म करो इसे। पीपल हैव ऑलरेडी डन दिस। अगर आपका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ मतलब आप पीछे हो, आपका एग्जाम में नहीं खत्म होगा। एग्जाम में अगर आप 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू गेट गुड मार्क्स एंड पास द एग्जाम? अगर आप 90-95 अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपको उसमें 70-65 ऐसे मिलेगा। 50 का ही अटेम्प्ट करके आओगे तो कैसे पास होगे? कहाँ है स्पीड? बात कम करो, फ्रेंड से अलग बैठो। सबका किसका किसका नहीं आया? क्विकली रेज योर हैंड, क्विकली रेज योर हैंड। एनपीवी किसका नहीं आया? आई वांट टू सी कि किसका किसका नहीं आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। सबका आ गया यहाँ पे, ऑल ऑफ यू। तो क्यों फिर क्या कर रहे हो तुम लोग फिर लैपटॉप में? अगर आ गया तो आगे का कर रहे हो क्या खुद से? तो बोलो मेरे को, रेज योर हैंड, किसका किसका नहीं आया और कौन कर रहा है? तो हैंड रेज करो भाई, शर्मा क्यों रहे हो? हाँ कि क्यों नहीं आया, क्या प्रॉब्लम आ रहा? आया कहाँ? मैच नहीं हुआ आंसर्स। पीवी ऑफ ये देखो, कॉस्ट देखो, इनकम देखो, समझ आ जाएगा कि किधर प्रॉब्लम है। ऑल ऑफ यू डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो वन इज रेजिंग देयर हैंड्स। जिसका हो गया नाउ प्रोसीड अहेड। डीपीपी कैसे निकल? हाँ, एनपीवी तो डिफरेंट आ रहे हो।
इसमें डिफरेंस है, कहीं तभी आ रहा है ना, कहीं मंथ ऊपर नीचे लिया होगा तुमने, देखो। ये ऐसे ये वाला सिस्टम कौन सा है स्प्लिट स्क्रीन क्यों यूज करते हो, लोग कंफर्टेबल हो विद दिस? हां कुछ ठीक है, किसका नहीं आया आंसर? आप लोग स्लो हो क्योंकि आप लोग बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स से, सुन नहीं रहे हो आप लोग बाकी ऑनलाइन। मेरे को लगता है सबका आ गया, ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, नो वन इज रेजिंग देयर हैंड्स। हाँ पीछे आया हमारा और तुम्हारी फ्रेंड का, तुम अलग बैठोगे तुम लोग दोनों जन सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास में। पास होना है कि नहीं तुम लोगों को? चलो यही आया तुम्हारा, क्यों तुम उसका वो फाइन नहीं कर पा रही हो एरर? तो दे भाई लैपटॉप, कैसे कर रहे हैं तुम? तो ब्लैंक बैठा हुआ था, तुम इधर आ जा, आगे आ जा। एक काम करो, सुनो ऐसे नहीं मिलता है आंसर्स, ये जाओ लास्ट में जाओ, लास्ट की सारी वैल्यूज मैच करो। मतलब एनपीवी वाला कॉलम गलत है क्या? तो एनपीवी वाला कॉलम में तो हमने खाली माइनस करा है ना, तो एन हाँ ये वाला कॉस्ट की कॉस्ट इनकम दोनों, तो तुम्हारा ये गलत है डिस्काउंटिंग फैक्टर, या फिर तुम्हारा ये ए बार वन गलत है। क्या हुआ आया? तो मेरे पास लिया लैपटॉप, एक मिनट में मिल जाएगा मेरे को एरर, इसीलिए मेरे को आर प्रोग्रामिंग पसंद है, उसमें एरर का नाम आ जाता है और मेरे को बस स्टूडेंट वहां से बोलता है एंड मेरा दिमाग उसको मैं प्रोसेस कर लेता है कि क्या एरर है। तुम लोग आगे डीपीपी अपने जो मेथड से किए हैं ना क्लास में, सेम मेथड से डीपीपी निकालो, और आईआरआर तो बहुत ही इजी है। आईआरआर के लिए व्हाट विल यू डू? पहले तो ना स्प्रेडशीट को साइज बड़ा कर, इतना ज्यादा तुम कॉपी किया, मतलब कॉपी नहीं किया, कॉपी किया तो नहीं किया, तुमने शीट वन को हाइड क्यों नहीं किया? खुला ना, खोले भी नहीं उसको। अक्टूबर से मार्च ही है क्या? C65 वाला अप्रोच बना क्या था? नहीं यूज करने, नहीं मार्च होगा फिर आंसर, ऑब्वियसली कैसे मार्च होगा आंसर? हम लोग ने किया 1/12, हम लोग 1 month को कंसिडर कर रहे हैं। फेब्रुअरी तुम्हारा काउंट होगा 28 days, वो काउंट होगा 31 days और वो काउंट होगा 30 days। चेंज करो इसको, ये होता है जब क्लास में ध्यान नहीं देता है। ये भी लगता है मैच नहीं हो रहा है। 293 ठीक है, ये गलत है, देखो ना यही तो मैच नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला 1000 बार, ये कॉलम मैच ही नहीं हो रहा है तुम्हारा,
रिस्पॉन्डिंग फैक्टर का एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा है तो पीवी रिस्पॉन्डिंग फैक्टर नहीं मैच होगा तभी तो पीवी का मैच होगा। अरे भाई प्लस अभी भी तो नहीं मैच हो रहे अब मेरे को देखनी होगा मुझसे यह फॉर्मूला डाले इंटू एच ए ठीक है यस तेरा यही नहीं मैच हो रहा अब तो ठीक है सर सब ये मैच हो रहा है तुम क्या किया है ये तुम कैसे लिया है तो इनकम तो तुम्हारा मैच नहीं हो रहा है इनकम में कुछ मिस्टेक है अच्छा इनकम इनकम में भी तो ए बार वन होगा ना मल्टीप्लाई अरे यार इनकम में भी ए बार मल्टीप्लाई करो जाके ओह आई एम नॉट हैबिटुएटेड विद दिस लैपटॉप जो ए बार वन मल्टीप्लाई करो इनकम में तो कंटिन्यूअसली हो रहा है अब हो जाएगा मैच करो मल्टीप्लाई तुम मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला में करके नीचे कर दे तेरा देखा आंसर मैच होगा जल्दी करो बाकी सबका हो रहा है डीपीपी निकला कितना आंसर फर्स्ट जुलाई 20 सही है ले सकते हैं बट आई थिंक नीचे का लेना चाहिए जब भी वैसा होता है आया आंसर भी खाली इनकम में वो ए बार वन नहीं मल्टीप्लाई किया तुमने क्या चेक किया उसका तो एनपीवी रॉन्ग आ गया तो एनपीवी रॉन्ग आने का मतलब कि एनपीवी कॉलम गलत नहीं है पीवी कॉलम गलत है अगर वो भी नहीं है तो उसके पहले वाला कॉलम गलत आया अभी एनपीवी कैसे रुको नहीं आया तो अब मैं करूंगी आके फिर रुको वही मिस्टेक है 3-4 तुम्हारा ध्यान से सुनेगा तुम लोग क्लास में और फिर खुद से करेगा अब बताओ एनपीवी के बाद नेक्स्ट क्या था हम लोग का डीपीपी कैसे निकालेंगे उसके लिए क्या करते थे हम लोग रनिंग एनपीवी निकालते थे इनका सोल्यूशन आई डोंट नो व्हाट दे हैव डन वी विल डू व्हाट वी हैव ऑलवेज डन ठीक है रनिंग एनपीवी कैसे निकलता है रनिंग एनपीवी पहला वाला तो यही होगा दूसरा जिसमें आपका फर्स्ट वाला फिक्स हो जाएगा ये आपका आ गया रनिंग एनपीवी फिर आपको देखना है पॉजिटिव से नेगेटिव कब जा रहा है तो इफ एंड दिस शुड बी व्हाट ग्रेटर देन जीरो एंड इसके ऊपर वाला शुड बी लेस देन जीरो इफ दिस इज द केस
देन गिव मी द मंथ और गिव मी अ ब्लैंक. नहीं क्यों, किसने पूछा, क्लास में क्यों नहीं किया तुमने? नहीं, बगल वाला मोर देन जीरो एंड ऊपर वाला लेस देन, तभी तो नेगेटिव से पॉजिटिव कब जा रहे पता चलेगा ना. इफ एंड दिस शुड बी लेस देन जीरो एंड दिस शुड बी मोर देन जीरो, इसका क्या मतलब है? नेगेटिव से पॉजिटिव कब, फर्स्ट टाइम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे, वेरी गुड. तुमने क्या किया? कौन सा ये? तो फिर तो सब में आ जाएगा, फिर तुम तो उसमें से पहला वाला वैल्यू उठाओगी खाली. हाँ कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं, मिनिमम करके कर सकते हैं तुम लोग. खाली अगर करोगे लेस देन जीरो वाला सारा ले लोगे, मतलब ग्रेटर देन जीरो वाला, तो वो सारे जहां से वो पॉजिटिव टर्न हो रहा है. लेट मी चेक. आई ये क्या हो गया, जहां से पॉजिटिव टर्न हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये देखो, यहाँ से पॉजिटिव टर्न हो रहा है तो ये सारा ही वैल्यूज आ जाएगा, तो उसका तो मिनिमम ले लोगे. अभी इस फॉर्म में इसीलिए आ रहा है क्योंकि डेट फॉर्मेट है ना, तो अपने इसको डेट में चेंज कर देंगे, ठीक है? एंड देन यू ऑल कैन एक्सट्रैक्ट, मे बी नॉट इन दिस फॉर्मेट. आई थिंक इट्स बेटर कि ना पैसे कर दो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस आई विल टेक द टाइम एंड देन यू ड्रैग एंड देन यू कैन गो एंड चेक विच मंथ. This is the month, so you can write DPP here. इसको आप ऊपर ले जाके extract कर लो इधर, ठीक है? हाँ मेरा value आएगा. हाँ value आएगा ना, क्योंकि date format है ना, तो आप उसको date में change करो. इसको अपने ठीक है, ये आपको एक शेयर करना है तो आप कर सकते हो ऊपर. शो कस्टम डेट, इसको पूरे को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम में जाओ, एमएमएम वाई वाई. ठीक है, जुलाई 28. ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट IRR है, एक सेकेंड रुको. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी शीट में IRR निकालेंगे. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आई विल जस्ट हाँ बोलो. यहाँ पे आई राइट IRR, एक बार देख लो प्लीज, एक बार सुन लो, इतना कमोशन इतना कंफ्यूजन, रुको एक बार सुन लो. कैसे निकालना है IRR, आपको गोल सीक यूज करना है, यूजिंग गोल सीक. गोल सीक का पूरा एक्सप्लेनेशन आप यहां दे सकते हो कि आपने कैसे करा है. गोल सीक में सेट सेल, सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग, ऐसे हम देते हैं, ठीक है? सेट सेल में आप क्या करोगे, दिस सेल J5 को आपको करना है जीरो बाय चेंजिंग कौन सा सेल, D2 वट एवर, हाँ जो तुम्हारा है. तो अब इसको हम लोग गोल सीक से निकालो, बट एक प्रॉब्लम है, इसको करके देखो एक बार चेंज. गोल सीक में जाओ, डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, क्योंकि दे हैव मेड ओनली वन शीट. आप पार्ट वन इसी शीट में कर सकते हो, आप अलग से दूसरा कॉपी पे शीट नहीं कर सकते, ठीक है? बिकॉज दे हैव नॉट अलाउड यू टू डू दैट. अगर क्वेश्चन में दे हैव मेड अ न्यू शीट,
फॉर वन पार्ट सी आप कर सकते हो, अगर सेम शीट है तो इसी शीट में करना होगा बाई टू वैल्यू जीरो बाई चेंजिंग दिस डिस्काउंट रेट एंड वंस यू डू इट आपका आंसर आ गया. इसमें आप जस्ट एक्सपैंड करके चेक करो 15.46% आप लिख दो एंड देन यहाँ पे आप इसको अगेन 12 कर दो सो दैट योर एनपीवी अगेन चेंजेस बैक टू नॉर्मल. सो 15.46 इज द आंसर. ठीक है एंड यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दो सो एग्जामिनर नोज कि भाई आपने कैसे करा है. अब पूछो जरूरी है क्या इशू हुआ, कोई इशू हुआ? एक मिनट लगा मुझे पूरा खत्म करने में, बस 1 मिनट गिन के इस टाइमर ऑन करो 60 सेकंड्स का, बस उतना ही लगेगा. नहीं बना तुम अभी बना दिया ठीक है, बट एग्जाम में नहीं. हाँ नहीं नहीं कर सकते. ठीक है हो गया सबका आंसर आ गया तो प्लीज यस लिखो एक बार. वेरी गुड फिनिश. एक बार यस लिखो सबका आ गया तो यस लिखो. अरे हाँ नहीं देख रहे हैं, किसी का भी डाउट रह रहा है. तुम्हारा आया अभी, तुम तो सुनते ही नहीं है. जब हम बोलते हैं तुम सुनता नहीं है, फिर जब मेरा हो जाता है तब तुम सुनने को दिखता है ऐसे. अभी लाइन से क्लास है एवरी डे ठीक है, तो खुशी चावला चंचल आस्था तनिष तेजस कनिका रिनीशा खुशी यस लिखो भाई हुआ तो यस लिखो. माउस खरीद लो ना 600 रुपए अगर उसके हाथ. नहीं माउस का जरूरत नहीं है, यूज दिस ओनली. गेट इनटू द हैबिट ऑफ नॉट यूजिंग द माउस. बोलो पीछे वाले बच्चे. अरे उसको आप मत बोलो, तुमसे छोटा है वो. आयत मारा हाँ उसको बुलाओ. आयत मारा इशिका, इशिका ना श्वेता. अच्छा भाई ने वो कंप्लेन की है, तुमको पता है ना. Online students are faster than you all. The reason being, they are sitting alone and solving it. तुम लोग करते हो group project, जिसमें तुम लोग का group behavior एकदम zero है. ये वाला. करो यार, इतना time लगेगा तो क्या 2 दिन में देना exam? Next part start करो जिनका हो गया. हो गया वो भी, उसके बाद वाला पार्ट करूं. किसका किसका नहीं आया बस क्लियरली हैंड रेस करोगे? हैंड रेस भी नहीं करती, कैसे हीट हो गए उन सब. मैं सीएस में क्लास नहीं आता उस तक, तुम्हें पता चल ऐसे काबोगे एकदम क्लास से. आया कि नहीं Thank you.
एक्चुअली एप्रोच है कि कैसे हम तो चेंज हो गया है क्या कर हम लोग, व्हाई सो स्लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ कि नहीं अब तुम लोग हैंड भी नहीं शर्माते हैं। हम लोग पहले जब मैं सीएमएन पढ़ाती थी, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं समझती इन लोग का नहीं हुआ, सब हैंड रेज, मतलब सब एकदम टॉल, एकदम की मतलब इट्स अ गुड थिंग कि नहीं हुआ अभी तक। अब इन लोग हैंड रेज ही नहीं कर रहे, क्या तुम लोग, मतलब पता नहीं तुम लोग को शर्म आते क्या, मतलब क्या डाउट है पूछो। नहीं समझ आया, इनकम क्या? हाँ अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, इतना भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं होना। दिस द कंपनी नाउ अज्यूम्स द प्राइस ऑफ, रुक जाओ मेरे को रीड करने दो, समझाने दो। The company now assumed that the price of cups of coffee will increase by 5% each year. पहला increase होगा January 23 में, calculate revising की भी, तो इसका पूरे sheet का all TM create a copy move to end। भाई ऐसे तो कैसे होगा बताओ, थोड़ा fast होना ही पड़ेगा, मतलब इतना slow slow करोगे तुम लोग। बाकी सब same है, we don't need this DPP and IRR, so I'll just remove this. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस, एंड वी कैन रिमूव दिस। ठीक है, बाकी सब सेम है। जस्ट दैट नाउ यू नीड टू एड वन एडिशनल रो यहाँ पे, एंड वी कैन राइट दिस, क्या लिखें, इंक्रीज इन सेलिंग कितना परसेंट, 5%। ठीक है, 8% क्यों मिल गया इसमें। ऑल राइट, अब पूरा शीट सेम है, खाली आपका जो इनकम है कब से इंक्रीज हो रहा है, ट्वेंटी 23। ओ तब अपने सीधा उधर जाके फॉर्मूला डालेंगे, मतलब अपने इधर जाके फॉर्मूला डालेंगे। हाँ क्या फॉर्मूला डालोगे, इफ फिर तुम लोग नहीं, अभी देखो अभी मैं बोल रही हूँ, तुम लोग भी बोल रहे हो, मैं चुप हो जाऊंगी तब तुम लोग ऐसे बैठ के मेरा फेस देखोगे। इफ बोलो, मंथ ऑफ, वेरी गुड, मंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो क्या करना है अपने को, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना है 1+5% से, मेक इट एब्सोल्यूट। नहीं 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 तो गलत हो जाएगा, आप इसको थोड़ी इंक्रीज कर सकते हो 5% से, आप इसको इंक्रीज कर दोगे तो मतलब आप इसमें क्या है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करा है किसको, 3 को,
तो आप अगर पूरे चीज को 5% से मल्टीप्लाई करो, मतलब आप सेल नंबर ऑफ यूनिट्स भी तो आपका 5% से इंक्रीज हो रहा है, विच इज रॉन्ग. ऑब्वियसली वो तो गलत है. सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं चेंज हो रहा है. तो कैसे करेंगे? अब खाली नंबर ऑफ यूनिट्स में डालेंगे वो वाला चीज, मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस पे डालेंगे. समझ रहे हो? अब एग्जाम प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऊपर से एग्जाम, ऊपर से पता नहीं क्या क्या, तो उसमें हम लोग ये मिस्टेक हो सकता है करें, ठीक है. हो सकता है किसी किसी को करते करते, जैसे अभी मेरे को रियलाइज हुआ वैसे रियलाइज हो, किसी किसी को रियलाइज ही ना हो एंड आंसर आप गलत डाल के आ जाओ. तो 6 मार्क का क्वेश्चन है ना ये, मे बी यू गेट जस्ट 2 मार्क्स. आंसर सेम नहीं आएगा. हाँ आई थिंक प्राइस का कॉलम इन्होंने भी शायद बनाया. प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 3 वाला जो कॉलम है आई थिंक वो ही करना होगा इधर, तभी होगा. नहीं तो इसमें भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर वाला सेल अगर सिलेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा ना. मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे काम करो. हाँ इसमें मैनुअली करना होगा. सो लेट्स इंसर्ट वन कॉलम, ठीक है. इसमें अपने लिख देते हैं सेलिंग प्राइस. अब एक बार देखो, एक बार यहां आ जाओ, देखो एक बार. इधर से स्टार्ट करेंगे, दिस विल बी 3 ना. सो लेट जस्ट गो एंड सिलेक्ट दिस 3 टाइप भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर. एंड जस्ट ड्रैग इट पूरा नीचे तक. फिर आप जाओ जनवरी 23 पे, क्योंकि आपका खाली सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है. समझ रहे हो क्या इश्यू आ रहा है? आपका यूनिट्स नहीं इंक्रीज हो रहा है. इक्वल्स 1 है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस दिस 5%, अदरवाइज इट विल बी जस्ट द ऊपर वाला वैल्यू, ठीक है. तो इधर से योर इंक्रीज स्टार्ट्स 3.15, 3.3, 3.4, 3.6 एंड सो ऑन. अब आपको क्या करना है, एक सेकेंड रुकना. अब आपको कहाँ बोलो, अगर पूरा इनकम इसमें, हाँ 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 तभी भी तो सेम आएगा. हाँ शुड कम सेम होंगे. हाँ आई मीन सूदी पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर इसमें भी अगर हम लोग इंटू 1.05 करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि आप 3 इंटू, हाँ करेक्ट, वी डोंट नीड अनदर कॉलम. एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा ना वो, 3 इंटू 1.05, फिर 3 इंटू 1.05 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 1.05 का क्यूब. करेक्ट, हाँ आई डोंट, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एकदम सही. इसको करने की जरूरत नहीं है. वाई शुड वी एड अ न्यू कॉलम एंड वी हैव ऑलरेडी डन इट. हाँ सही है सही है, ठीक है. गलत नहीं होगा, एकदम गलत नहीं है, सही है. बट जस्ट दैट कि अगर मैंने पहले वाले शीट में नहीं बनाया है तो मैं नया से क्यों बनाऊं, है ना. हाँ करेक्ट, एकदम सही. तो ऊपर वाला इंटू 1 प्लस 5% आपको हार्ड कोड करना है, आप हार्ड कोड करो. अगर आपको ये लेना है तो आप इसको लो, कॉमा ऊपर वाला, ठीक है. सही आएगा, सेम आएगा आंसर, करेक्ट है. एंड सिंस यू आर डूइंग अ न्यू कैलकुलेशन फ्रॉम हियर, मेक श्योर यू जस्ट गिव इट लाइक हाईलाइट एट लीस्ट दिस पार्ट, तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स कि भाई आपने कुछ चेंज करा है नीचे. हाउ इज योर एनपीवी चेंजिंग, एक बार देख लो, सबका ये आंसर आ रहा है. हाँ तो 6 मार्क के लिए आई फील ज्यादा हेक्टिक नहीं था, जस्ट कॉपी पेस्ट अगर हम शीट को करेंगे तो इट्स फाइन हो जाएगा.
तुम क्या कर रही थी पहले? जो मतलब नंबर ऑफ कप्स हो गया इनटू सेलिंग प्राइस, हम इनको 1+5% कर दिया। हाँ तो तुम्हारा वो कांस्टेंट हो गया ना, 3 × 1.05 कांस्टेंट हो गया इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन योर आंसर्स इन पार्ट 1A एंड पार्ट 2 एंड सूटेबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग अजम्पशंस। हाँ बताओ, बोलो। मैम इसमें तो हमने जैसे सीधे डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जो नंबर ऑफ यूनिट्स थी हमारी वो 15,000 सेम हो गई थी लेटर ईयर्स में, सारी लेटर मंथ्स में। उससे भी फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं भी सेम होता तो भी फर्क नहीं पड़ता ना, सिंस योर कैलकुलेशन। हाँ करेक्ट, ये चीज एक है जिसके लिए कॉलम बनाना सही रहेगा कि 15,000 आपका सेम आ जा रहा है। तो या तो आप एक चीज करो ना, आप ऐसे करो कि आप आई गेस नहीं फर्क पड़ता, तब तुम क्या कर रही हो पता है, तब तुम पहले वाला को ले रही हो, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू 3, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ दिस इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.05। तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो चेंज नहीं हुआ ना, अगर इस मंथ में नंबर ऑफ यूनिट्स आर चेंजिंग, नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, लेट्स सपोज यहां लेते हैं अपने 15,000। अरे यार ये डेट वाला कॉलम था क्या? ठीक है, अब देखो एक मिनट प्लीज सुन लो, कौन इतना बात कर रहा है कंटिन्यूअसली? ये है तुम्हारा सेलिंग प्राइस है 3,333। अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दीज टू एंड तुम आंसर निकाल रही हो, ये तुम्हारा आ रहा है रेवेन्यू। एंड अब मैंने बोला कि भाई एवरी ईयर इंक्रीजिंग बाय, तो तुमने इस वाले वैल्यू को पकड़ा एंड इसमें तुमने ये देखो ये आ रहा था, ये सेम चीज मैं एक बार यहाँ पे डाल देती हूँ एंड ठीक है, ये दोनों है ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो रहा है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.05, इसको मैंने कर दिया ड्रैग। तो हुआ क्या, ये जो वैल्यू था इसका 1.05 हुआ, ये वाला जो है ये भी 1.05 से इंक्रीज हुआ कि नहीं। अब क्वेश्चन इज कि अगर यहां पे हमने क्या किया, दिस वैल्यू ऊपर वाला इंटू 1.05, यहां हमने क्या किया ऊपर वाला इंटू 1.05 एंड ऊपर वाला वैल्यू इज व्हाट 15,000 × 3 है कि नहीं, एंड ये वाला वैल्यू क्या हुआ 15,000 × 3 × 1.03। बट लेट्स सपोज ये 15,000 नहीं है, ये 16,000 है, सो इज दिस चेंजिंग? इफ आई मेड दिस 16,000 इज दिस चेंजिंग? देयर इट इज नॉट चेंजिंग, कहां हुआ चेंज? ये देख लो 45 है, 4725 है, इसको मैं कर देती हूँ 16,000, दिस अमाउंट चेंज, बट इज दिस चेंजिंग? This should change, ना? Why will not change? तुम्हारा ये क्या होना चाहिए 16,000 × 3 × 1.05 होना चाहिए, बट ये तो नहीं हुआ ना, क्योंकि तुमने लिंक तो इससे ऊपर वाले से करा है, इसका लिंक तो तोड़ दिया तुमने, नंबर ऑफ यूनिट्स का लिंक तो टूट गया। तो क्योंकि तुम लोग समझो ना, तुम लोग का शॉप है, तुम लोग एवरी मंथ तुम लोग इतना इतना सेल कर रहे हो, 3 rupees इंक्रीज हो रहा है ना, यूनिट्स नहीं, क्योंकि वो 15,000 अनचेंज था, इट डज नॉट अफेक्ट। बट अगर वो चेंज होता तो ये अफेक्ट होता ना, क्योंकि वो तो तुमने कंसिडर किया नहीं, वो लिंक तो तुमने तोड़ दिया उसका, करेक्ट है? तो इसीलिए ही इट्स नॉट गुड टू यूज दिस, इट्स अगेन गुड टू इफ यू मेक अ न्यू कॉलम, बिकॉज अदरवाइज आई थिंक फिर 3 को हम लोग को अलग से फॉर्मूला डाल के यूज करना होगा, नो पॉइंट इन दैट। इससे अच्छा कि हम एक कॉलम ही बना देते हैं सेलिंग प्राइस का एंड हम उसी को वर्क करते हैं, ठीक है? सो सेलिंग प्राइस का एक कॉलम बना दो एंड यहां ले लो ये 3 rupees, एंड जस्ट ड्रैग, इसको मैं कर देती हूँ एब्सोल्यूट एंड ड्रैग, ये हो जाएगा आपका, ये बेस वाला हटा के एक बार देख लो, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन,
ये D4 हटा के सिलेक्ट दिस रुपी वाला कॉलम नाउ, ठीक है, एंड जस्ट ड्रैग. नाउ दैट इज द रीजन दे हैव गिवन इट फॉर 6 marks, बिकॉज हम यही मिस्टेक करते. एंड आंसर चलो सेम आता बिकॉज 15,000 कॉन्स्टेंट है, बट आपका प्रोसेस गलत है, यू मे नॉट गेट द फुल मार्क्स, 1 या 2 ही मिलेगा उस केस में भी. आंसर मैच होने का ये मतलब नहीं कि आपने सही किया है, दिया तो आपने गलत है ना, तो ये आपका होगा. एंड अगर आप वापस से जाके January 23 पे जाओगे एंड आप चेंज कर दोगे इसको, इफ मंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, दिस मल्टीप्लाइड बाय 1+5% और जस्ट तो अपर वाली, ठीक है, देख लो, जस्ट चेक व्हाट आंसर यू आर गेटिंग, ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. कमेंट करने बोला है ऑन द अजम्पशंस एंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द आंसर्स. वी सी अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एनपीवी, ये तो है. हाँ बोलो. क्यों नहीं होगा, तुम यूनिट्स तुम बताओ ना. अभी जो मैंने तो तुम एवरी टाइम थोड़ी चेंज हो रहा है, खाली हर जनवरी में चेंज हो रहा है. कैसे दोगी करके दिखाओ मेरे को करके दिखाओ, ऐसे बोलो मत, शो मी द रिजल्ट्स. ये देख लो एक बार, आंसर सबका मैच हुआ, क्लियर है? एनी डाउट? अब इसमें कमेंट दो. अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उसी में अटक जा रहे हो. कमेंट कितने मार्क्स का है, 8 marks का, कितना मिलेगा, 0. कितने मार्क्स का कमेंट आएगा, टोटल 20, कितना मिलेगा, 0. गया आपका, 80 में आप अपियर कर रहे हो. क्यों आप रबिश कमेंट्स लिखते हो? 10 lines लिखने का मतलब नहीं कि उसमें आपको मार्क्स मिलेगा. 10 rubbish lines लिखोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, समझ रहे हो? सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग कमेंट्स. CM1 में 15-20 marks का कमेंट आता है, CM2 CS2 दोगे 25 marks का कमेंट इन पेपर ए, 25 marks का कमेंट इन पेपर बी, टोटल 50 marks का कमेंट आ रहा है. और स्टूडेंट्स को कितना मिलता है, 0. क्यों? क्योंकि रबिश चीजें लिख के आते हैं. क्यों? क्योंकि ध्यान ही नहीं देते कमेंट्स पे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. बट ये स्मार्ट बिहेवियर कहाँ है भाई, 20% ऑफ द वेटेज गोज इन कमेंट्स. सो मेक श्योर यू वर्क ऑन द, पीछे बैठो, मेक श्योर यू वर्क ऑन द कमेंट्स एज वेल. तो क्या क्या कमेंट्स देंगे बताओ. पहला तो वी सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज. कहाँ से कहाँ हम गए, दिस वॉज अर्लियर हाउ मच, 291, विच हैज गॉन अप टू 684. सो इट हैज गॉन अप. उसके बाद एसी को मैं वो कर देती हूँ. उसके बाद बोलो और क्या बोलेंगे. Assumptions हमने क्या क्या लिए एंड क्या assumption हमने बनाया है. हमने एक assumption बनाया है कि आपका 5% जो इंक्रीज है every year, ये constant है कि हमेशा 5% ही रहेगा. हो सकता है 5% ना हो, 5% से कम हो. और क्या assumption बनाया आपने, आप प्राइस को इंक्रीज करा रहे हो 5% से, कॉस्ट को आप करा रहे हो कितने परसेंट से, कॉस्ट को नहीं करा रहे इंक्रीज, ये नहीं कर रहे अपने इंक्रीज. कैसे मिलेगा 8 marks मेरे को बताओ ना एक बार, एक लाइन लिखने से. हाँ पास होना है कि नहीं, तो स्मार्टली मैंने क्या बोला था क्लास के 5 minutes में, स्मार्ट मुझे चाहिए, स्मार्ट स्टूडेंट्स, ऐसे डल बोरिंग स्टूडेंट्स नहीं चाहिए मुझे क्लास में. कितना परसेंट है, 2% है. आप बोल रहे हो आपका प्राइस इंक्रीज होगा 5% से, चलो इन्फ्लेशन आपका 5% है, तो कॉस्ट भी तो आप इंक्रीज करो ना 5 से, आप कॉस्ट के 2% से कर रहे हो. सो यू हैव टेकन एन अजम्पशन दैट द इंक्रीज इन द प्राइस विल बी हायर देन द कॉस्ट. You have made an assumption ki ye jo increase of 5% hai, this will happen all the, please baat mat karo class mein, this will happen month on month, every month, hai na, correct hai? But aapne aur kya bola hai, aur kya bola hai bolo. Ho sakta hai na ki ye increase na ho,
आपने जो यूनिट्स लिए, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, हो सकता है ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड माइट नॉट बी सेम, इट माइट चेंज. सो ये जो अंडरलाइंग आपने अजम्पशन लिया है, हो सकता है देयर माइट बी अ चेंज इन द डिमांड एंड सो द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड माइट गो डाउन. यू मे नॉट एक्सपेक्ट सच अ हाई एनपीवी, इट मे नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट. आपने और क्या किया यहाँ पे, आपने लैंड कॉस्ट लिया, रिफर्बिशिंग लिया, आपने स्टाफिंग मेंटेनेंस, हो सकता है और भी कोई एडिशनल कॉस्ट आ जाए, यू नीड टू कंसिडर दोज एडिशनल कॉस्ट. तो ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये रबिश नहीं है, ये बोल रही हूँ ताकि आपको वो 8 marks मिले. बट आप क्या लिख के आते हो, इट हैज गॉन इन, इट हैज इंक्रीज्ड. आगे क्या है, एक लाइन कुछ लिख दिया, कुछ नहीं समझ में, आगे बढ़ गए, खत्म. तो मेक श्योर यू गेट इन टू द प्रोजेक्ट. आपका प्रोजेक्ट है, आप बताओ मुझे कि ये प्रोजेक्ट कैसे फीजिबल है, कैसे सही है, जो अजम्पशन हमने लिए हैं वो सही. आप घुस जाओ उस प्रोजेक्ट में एंड फिर कमेंट करो. और ये हैबिट अभी से नहीं डेवलप होगा. CS2 के स्टूडेंट्स जो आते हैं डल, एकदम डल, वो एक भी कमेंट नहीं कर पाते. CM2 में नहीं कर पाते. SP लेवल भूल जाओ, क्या होगा पता नहीं. CP1 थर्ड टर्म में क्लियर होगा. ये सब तो हालत है. क्यों? क्योंकि कमेंट्स नहीं कर पा रहे. ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन. Just calculating is not the part. ठीक है, answers एक बार read कर लो. इसका मैं unhide कर देती हूँ. ये वाला नहीं, part 3. इसको read कर लो. But ये जो इन्होंने लिखा है, ये भी इन्होंने बहुत ही simple लिखा है. इस ये आप exam में लिख के आओगे same, आपको 8 नहीं मिलेगा. They want you to like write full 1 line, at least write 8 lines, so you get 8 marks. 1 line ka 1 mark you get. Theek hai, read karo and then we move to the second third question.